हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, बहुत दिनों से जो अपन इतने लगभग 20 क्लासेस यहां पर ले चुके हैं, पर एक भी दिन जो है अपन ने एक दिन को छोड़ के साइन और कॉस वाले जो सवाल है वो यहां पर अपन ने नहीं लिए और उनको सोल्व नहीं किया है। तो आज जो है इस क्लास के अंदर जो है अपन साइन कॉस वाले सवालों को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा और बराबर में आंसर हमें लाना है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है, तो ऐसा जो सवाल आ जाओ कभी अंडर रूट वाला तो आपको कैसे सॉल्व करना आप ध्यान से देखिएगा। अंडर रूट वाले सवाल में हमें क्या करना है, अंडर रूट वाले सवाल के अंदर हमें करना पड़ता है हर का परिमेयकरण। जो नीचे वाली जो संख्या होती है ना उसमें हर का परिमेयकरण करना पड़ता है। जैसे देखना आप, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर यानी अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, ये अपन ने लिख दिया। अब यहां पर लगाएंगे इनटू, फिर लगाया अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ये तो सवाल का था। और अब क्या करेंगे, हम हर का परिमेयकरण कर रहे हैं, हर बोलते हैं नीचे वाली संख्या को, तो नीचे वाली संख्या कौन सी है, 1 माइनस कोस थीटा। तो परिमेयकरण में क्या होता है दोस्तों, अगर माइनस की संख्या लिखी हुई है नीचे तो ऊपर दोनों जगह किसकी संख्या आ जाती है, प्लस की 1 प्लस कोस थीटा, और नीचे भी क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा। और इधर अंडर रूट इसलिए लगाया क्योंकि इधर भी सवाल अंडर रूट में है, तो इधर भी अंडर रूट में लगा दिया। ठीक है, नीचे माइनस था इसलिए 1 प्लस कोस 1 प्लस कोस आ गया, अगर यहां पे प्लस होता तो यहां पर क्या आ जाता, 1 माइनस कोस और 1 माइनस कोस आ जाता। अब तुम्हें क्या करना है, यहां पर जैसे पूरे का अंडर रूट, इसका भी अंडर रूट है और इसमें भी अंडर रूट लगा रखा है, तो पूरे का अंडर रूट लगा दो एक ही बार में। ऊपर वाली ऊपर से गुणा होगी तो 1 प्लस कोस थीटा की घात कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, क्योंकि ये कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो ऊपर वाली ऊपर से गुणा होगी तो एक बार लिखे घात 2 लगा दी। नीचे हम जहां पर परिमेयकरण करते हैं वहां पर देखो सर्वसमिका क्या बन रही है, a माइनस बी ए प्लस बी बराबर a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये सर्वसमिका यहां पर बन रही है। कैसे, a माइनस बी ए प्लस बी, जब कभी भी पहली पहली संख्या सेम और दूसरी दूसरी संख्या सेम हो और उनके चिन्ह उल्टे उल्टे हो, माइनस और यहां पर प्लस, तो तुम्हें क्या करना है, ये सर्वसमिका लगानी है। जहां पर सर्वसमिका ये बन रही है तो आंसर किससे आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आएगा ना, तो ए का मान पहली संख्या स्क्वायर माइनस बी का मान दूसरी संख्या कोस थीटा और का क्या लगा दिया स्क्वायर। तो बिना सोचे समझे तुम्हें यहां पर क्या ध्यान रखना है कि जो संख्या दे रखी है जिस संख्या का यानी हर का हम परिमेयकरण कर रहे हैं वहां पर पहली संख्या लिखो और उसका स्क्वायर लगा दो, फिर बीच में हमेशा माइनस और फिर दूसरी संख्या लिखे उसका भी क्या लगा दो स्क्वायर, और ऊपर वाली तो पता चली गया, ऊपर वाली ऊपर से गुणा होगी सेम संख्या तो उसका क्या बन गया होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, फिर आगे सॉल्व करते हैं अपन इसको, अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा नीचे बटेवा 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस का माइनस, कोस थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर देखना आगे ध्यान से, अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, फिर नीचे बटेवा लगाया 1 माइनस कोस स्क्वायर, किसका फॉर्मूला आता है साइन स्क्वायर थीटा का, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, तो इसकी जगह क्या लगा दिया साइन स्क्वायर थीटा लगा दिया। अब इसका भी होल स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो क्या हम इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों, अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा बटे में नीचे साइन थीटा पूरे का क्या लगा दूं होल स्क्वायर, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है। ठीक है, अब देखना पूरे के होल स्क्वायर से अंडर रूट को काट सकते हैं तो बचा कितना 1 प्लस कोस थीटा और नीचे क्या बचा साइन थीटा बच गया। अब क्या करेंगे आंसर लाने के लिए, हम यहां पर क्या करेंगे, एक के नीचे भी साइन को लिख दो और कोस के नीचे भी साइन को लिख दो, एक के नीचे भी साइन को लिखो और कोस के नीचे भी लिख दो, एक बटेवा साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटेवा साइन थीटा, दोनों लिख दिया, एक बटेवा साइन थीटा किसका फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा का, प्लस कोस बटेवा साइन किसका फॉर्मूला होता है कोट थीटा का। तो हमने जो है यहां पर किसको सॉल्व किया था, एल एच एस को सॉल्व किया था और हमारे पास आंसर किसका आ चुका है, आर एच एस का जो है आंसर आ चुका है।
और इसी तरीके का जो सवाल है दोस्तों इसके अंदर भी आता है, साइन के अंदर भी आता है, जहां पर अगर यहां पर साइन साइन आ जाता है तो भी हमें इस सवाल को ऐसे ही सॉल्व करना है। यहां पर क्या करना है आपको, हर का परिमेयकरण करोगे, ऐसे ही स्क्वायर में बनेगा सर सुमी का, और फिर स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, जो बचेगा जो आंसर होगा उनको दोनों के नीचे लिख दो, कन्वर्ट कर लो आंसर, वो हो जाएगा, वो साइन के अंदर भी ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसको वापस समझ लेते हैं अपन कि हर का परिमेयकरण किया अपन ने, तो पहले सवाल को लिखा फिर इंटू लगाया, ये अंडर रूट में है इसलिए यहां पर भी क्या लग गया, अंडर रूट लग गया। फिर नीचे 1 माइनस कोस थीटा है तो ऊपर नीचे 1 प्लस कोस थीटा से गुणा करवा लिया, ऊपर वाली ऊपर से गुणा होगी तो ऊपर वाली तो दोनों संख्याएं सेम है तो एक बार लिखकर क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। नीचे वाली जो संख्या है वहां पर परिमेयकरण किया इसलिए ए माइनस बी, ए माइनस ए प्लस बी बना, और उसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी बिना सोचे समझे पहली संख्या का स्क्वायर लगाओ, बीच में माइनस और फिर दूसरी संख्या का स्क्वायर लगा दो। ठीक है, ऊपर वाली संख्या वैसी की वैसी, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस का माइनस आ गया, कोस थीटा का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो गया, ऊपर वाली वैसी की वैसी लिखी, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया अपन ने। ठीक है, फिर क्या किया, इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है तो दोनों के होल स्क्वायर बन जाएंगे एक में, और फिर स्क्वायर से जो है अंडर रूट क्या होगा, कट जाएगा, और स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो जो बचा उसको लिखा, एक के नीचे भी साइन को लिखा और कोस के नीचे भी साइन को लिख लिया, एक बटे का साइन कोसेक होता है और प्लस का प्लस और कोस के नीचे साइन, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, कोट थीटा बनेगा। ठीक है, तो ये अपना एल एच एस साइड से जो है आंसर क्या आ चुका है, यहां पर आर एच एस आंसर आ चुका है। तो ये था सवाल नंबर पहला, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला ये सवाल दे रखा है, कोस थीटा डॉट टेन थीटा और बराबर में दे रखा साइन थीटा, कोस थीटा डॉट टेन थीटा और बराबर में आंसर क्या लाना है, साइन थीटा। ठीक है, तो अपन सबसे पहले क्या लेंगे, इस साइड को लेंगे, एलएचएस को ये ले लिया, कोस थीटा इंटू टेन थीटा, कोस थीटा बीच में पॉइंट का मतलब इंटू मानेंगे अपन, और टेन जो थीटा होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटेवा कोस थीटा, कोस से कोस कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, साइन थीटा, और ये कौन सी साइड है, आर एच एस, यानी एल एच एस और आर एच एस दोनों आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ये एक नंबर का सवाल बनता है, और ये जो अंडर रूट वाला सवाल किया अपन ने, ये बड़ा वाला सवाल बनता है। और हाँ दोस्तों, ये अपने क्लास टेंथ के अंदर जो है अपनी जो बुक है उसके अंदर ये सवाल नहीं मिलेंगे, क्योंकि 10% जो बाहर से आता है उस टाइप के सवाल अपन यहाँ पर कर रहे हैं। पिछली बार भी आया था ये कोस वाला सवाल आया था अंडर रूट में, कि इसका परिमेय करके इसको सोल्व करना था, पर ये बुक के अंदर नहीं था, साइन का है कोस का नहीं था। ठीक है, तो उसी तरीके से अपन एक दो सवाल और करेंगे, और अगली जो क्लास आएगी उसके अंदर भी इसी टाइप के सवालों को यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। तो ये हो गया दूसरा सवाल, अब बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे की। तीसरा जो सवाल है, तीसरा जो सवाल दे रखा दोस्तों, सेक थीटा प्लस कोस थीटा, सेक थीटा माइनस कोस थीटा, सेक थीटा प्लस कोस थीटा फिर सेक थीटा माइनस कोस थीटा बराबर आंसर लाना है हमें, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आंसर अपने को यहां पर लाना है। ठीक है, सवाल आ गया आपके सामने, अब इसको सॉल्व कैसे करना देखना। एलएचएस लेते हैं, सेक थीटा प्लस कोस थीटा, सेक थीटा माइनस कोस थीटा, फिर यहां पर देखना आप ध्यान से, यहां पर क्या बन रहा है, ए प्लस बी और a माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सर्वसमिका बन रही है नहीं बन रही है, बन रही है, a प्लस बी ए माइनस बी ये सर्वसमिका बन रही है। ठीक है, फिर आगे देखना,
तो इसका आंसर क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। यानी पहली पहली संख्या सेम, दूसरी दूसरी संख्या सेम, उनके चिन्ह अलग हो। तो मैंने बताया था भाई पहली संख्या को लिख के उसका स्क्वायर, फिर बीच में हमेशा माइनस, और फिर दूसरी संख्या को लिख के उसका भी क्या लगा दो स्क्वायर। देखना ध्यान से, सेक का क्या बनेगा, इधर सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और हमें पता है सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा और माइनस क्या है कोस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिएगा, टेन स्क्वायर को तो लिख दूं मैं आगे और वन को लिख दूं मैं पीछे और माइनस कोस स्क्वायर थीटा कर लिया। तो यहां पर टेन स्क्वायर थीटा और वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ये अपना एल एच एस से सोल्व किया अपन ने और आर एच एस आंसर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतने सवाल काफी, फिर मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आपने क्लास को शेयर नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें।